हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रिशान पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है रेत की भविष्यवाणी। मैं यहाँ देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर के अंदर जो एक फियर है, एक डर है, वो क्यों है। ठीक है, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं और इनके ऊपर किसका प्रेशर है, क्यों वो डरते हैं और क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। रिलैक्स हो जाएं, इंटेंशन सही रखें और पॉजिटिव फील करें। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। और देखिए डियर, यहाँ पे बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, बिल्कुल लेती हूँ। आपको मेरे ईमेल आईडी पे जाना है, वहां से कॉन्टेक्ट करना है। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कीजिए, डिटेल्स जानिए। और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, बुकिंग करा सकते हो, जानकारी ले सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी के थ्रू आपको पहले बात करना है, फिर उसके बाद आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। ठीक है, रिलैक्स रहे और पॉजिटिव फील करें। जल्दी भी शक्ति गाइड करें। ओम पीस और शांति, बैलेंस के लिए, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए हमें ओम चैंटिंग का उच्चारण करना चाहिए और मेडिटेशन भी करना चाहिए। स्वास्तिक सुख शांति और समृद्धि के लिए, मान सम्मान और फैमिली परिवार, घर परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए स्वास्तिक जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए पहला ही यू टर्न की एनर्जी आ रही है डियर। देखिए, यू टर्न, आपके पार्टनर यू टर्न लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहली एनर्जी में लग रहा है कि बहुत के पार्टनर यहाँ स्पिरिचुअल भी हैं, सबके पार्टनर नहीं, मुझे लगता है किसी के पार्टनर यहाँ पे, मुझे लगा कि गॉड पे भरोसा तो करते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आपके जैसा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। पहला तो देख रहे यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसा दिखाई दे रहा है। बुरी तरह आप दोनों के बीच दुनिया बनी है, बहुत बुरी तरह आप लोग के बीच टावर मोमेंट आया है। ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर और आप दोनों ही खुश नहीं हो। ठीक है, आप दोनों ही खुश नहीं हो इस ब्रेकअप के बाद, और ऑन ऑफ होता है, फिर आपके पार्टनर चुप और खामोश हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने ब्रेकअप इसलिए आप दोनों के बीच में हुआ है ना डियर, कि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें छुपाई है, झूठ बोला है, और आपके मन में कई सवाल चल रहे हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोला, इतना प्यार, इतना विश्वास करने के बाद क्यों उन्होंने ऐसे कदम उठाए। ठीक है, आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं, लेकिन आपको ऐसा भी लगता है डियर, चलो कोई बात नहीं, खुदा गवाह है कि मैंने क्या कुछ किया है और उसने क्या किया है। ठीक है, आपको कम से कम अपने गॉड पे विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है कि उसने कुछ भी किया, लेकिन ये खुदा गवाह है कि मैंने क्या किया है और उसने क्या किया है। आज नहीं तो कल आपके साथ जस्टिस होगा, ऐसा आप भी महसूस करते हो, लेकिन इस पर्सन से एक अटैचमेंट बहुत गहरा है, चाह कर भी आप दूर नहीं जा पा रहे हो। देखिए, आपके पार्टनर अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे इन्होंने डिसीजन लिया है, अगर आपसे इन्होंने बात छुपाई है, तो इन्होंने देखो डियर, किसी सिचुएशन में आकर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिया इन्होंने कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये जानबूझकर इन्होंने नहीं किया,
ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और देखिए ये बेवफा नहीं है, ये कहना चाहते हैं मैं बेवफा नहीं हूँ, मैंने ईमानदारी निभाई लेकिन मेरी मजबूरी थी। लेकिन हो सकता है तुम्हारी सोच में ऐसा हो रहा हो, तुम्हारी सोच बदल रहे हो कि तुम्हें मैंने धोखा और चीट किया है, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे को जीतना चाहता हूँ। लेकिन मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ तुमसे, सबसे ज्यादा मैं तुमसे ही डरता हूँ, किसी और से नहीं। बस एक एक बात भी तुम्हारी मुझे ऐसा चुभता है, ऐसा ट्रिगर करता है कि शायद मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इस रिलेशनशिप को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन समझौता दिख रहा है डियर। एक डर आपका भी है और एक डर किसी फीमेल का भी है, ठीक है। यहां कोई वुमेन या लेडीज फीमेल है जो आपके पार्टनर के ऊपर दबाव डाला करती हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर देखा जाए तो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी कद्र भी करते हैं, चाह कर भी उनसे दुनिया नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो आप में और उस फीमेल में, जो भी वुमेन हो, आप में उनमें कॉम्प्रोमाइज बहुत करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं कि हर हाल में ये आपके साथ जिंदगी देखते हैं। देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं। वो समझते हैं, वो जानते हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपकी सोच को, इसलिए हाँ देखिए कॉम्प्रोमाइज भी है और कंपैरिजन भी है। समझौता वाली जिंदगी आपके पार्टनर जी रहे हैं लेकिन आपके साथ भी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहते हैं। देखिए इस पर्सन कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना चाहते हैं कि इन्हें अभी कुछ करना है, कुछ करना है और कुछ हार्ड वर्क करना है, कुछ गोल्स भी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। इनकी लाइफ में इनकी पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है, इमेज इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, सक्सेसफुली लाइफ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन इनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा। मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है कि ये सोच नहीं रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं लेकिन काम पर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके रिश्ते हो या जो भी फीमेल हो। बस कॉम्प्रोमाइज समझिए, जिंदगी जीना है तो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन जो भी फीमेल हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं देखिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनकी बनती नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनकी बनती नहीं है उनसे। लेकिन काम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ ऊंचाई, कुछ सक्सेस, कुछ गोल्स, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ अब्रॉड से रिलेटेड, कुछ ये प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनको समझा जाए तो इनके लिए जो बहुत खास है पैसा है और इनका फेम है, इनकी पर्सनालिटी है, इनकी इमेज है, और इनके पेरेंट्स भी हैं, और जो भी इनके लाइफ में फीमेल है वो देखो तो चाहे जैसे भी हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ अचीव करना चाहते हैं जो कि इनसे नहीं हो रहा, रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, झूठ बोला है, ब्रेकअप किया है, मूव ऑन करने की कोशिश की है, तो अब इनकी इच्छा है आपके तरफ एक नई शुरुआत करना। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं कि पूरी तरह आपके तरफ अपने आप को सरेंडर कर दे, यानी कि समर्पण कर दे। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपको मनाऊं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, दिल दुखाया है, तो ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। देखिए ये सो नहीं करें कि इनको रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन हाँ माफी ये मांगना चाहते हैं अपने लाइफ में। डियर देखिए वो आपसे एहसास नहीं कहरा सकते कि वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ये अपने आप को लूजर नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इन गलतियों को वो सुधार सकते हैं, लेकिन इनको आप लूजर नहीं कह सकते हो,
इनको आप चीटर नहीं कह सकते हो, आप इनको धोखेबाज नहीं कह सकते हो। हाँ, ये ईगोइस्टिक है तो ईगो इनके अंदर है, लेकिन काफी लंबे समय से बहुत व्यूअर्स आप इंतजार कर रहे हो, आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं यू टर्न लेने के लिए। लेकिन इश्यू जो भी है वो है फीमेल यानी वुमेन, आप दोनों के रिश्ते में बीच में आ रही है, ठीक है। लेकिन जो भी है आपके पार्टनर उनकी कद्र करते हैं, वैल्यू करते हैं। देखिए ये कोई भी हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपके पार्टनर का बिजनेस पार्टनरशिप इनके साथ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड भी आपके पार्टनर ने इनके साथ रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए जब ये बहुत काम का प्रेशर इनके ऊपर होता है, जब उड़ान भरते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके पार्टनर आपको भूल जाते हैं, नो डाउट, थोड़ी देर के लिए आपके पार्टनर भूल जाते हैं। और किसी प्रकार का जब टावर मोमेंट आता है, जब आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो किसी प्रकार का टावर मोमेंट आता है, तो इसी फीमेल से बहुत फाइटिंग भी होती है, जहां आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, जब ये प्यार को छुपाना शुरू करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके प्यार को छुपाना शुरू करते हैं तो उस पल को याद करने लगते हैं जब इनके लाइफ में टावर मोमेंट आता है फीमेल और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, पागलपन तक आपको, दीवानगी की हद तक वो आपको याद करने लगते हैं। और ये जब जब ये आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तब तब कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, तब ये कहते हैं क्यों तुम्हारी याद आ रही है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं क्यों तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन डियर यहां पे कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है, काम का प्रेशर है, काम का फोकस है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी मैं देख पा रही हूं कि गोल्स, फाइनेंस और सक्सेस के पीछे ये पार्टनर कभी कभी आपके बहुत पागल हो जाते हैं, मतलब जितना दीवानगी आपके लिए उतनी दीवानगी इनके अपनी ग्रोथ पर है, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, सक्सेस, ग्रोथ और कुछ वर्ल्ड टूर, इनको वर्ल्ड टूर की जो तमन्ना है वो ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। और ये सोच जो है इनकी उड़ान भर रही है, और लेकिन काम में इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लक सपोर्ट नहीं कर रहा, ये रास्ता ढूंढ रहे व्यूअर्स, ठीक है, ये पर्सन जो भी हैं ये रास्ता ढूंढ रहे हैं इस वक्त आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन कभी कभी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है और बहुत ज्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। आपके आपसे बात करे या ना करे उनकी जरूरत होती है आपकी, आपकी जरूरत है, ठीक है। तो देखिए दीवानगी है, मोहब्बत है, लेकिन जितनी दीवानगी मोहब्बत आपसे उतने इनकी अपने आप से भी है, अपनी पर्सनालिटी से भी है, अपनी इमेज से भी है। जब जब ये फीलिंग्स को छुपाते हैं ये खुद टूटने लगते हैं डियर। लेकिन हाँ, मिसिंग एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे आप तक पहुंचने के लिए, और आपका भी सच जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना इमोशनल हो और कितना प्यार करते हो, आज भी प्यार है या नहीं, आप उनके लिए इमोशनल हो या नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है कि ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको लूजर ना कहें, धोखेबाज ना कहें, चीटर ना कहें, लूजर ना कहें, ठीक है। इनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फीमेल का प्रेशर बहुत है, जो आपके पार्टनर उनकी बात को मानते हैं। देखिए चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है, मदर हो सकती है, सिस्टर, बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, जिनसे उनका घर चलता हो और दबदबा चलता हो, तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर ये किसी के साथ घर नहीं बसा सकते हैं, इसलिए हर कोशिश ये बैलेंस चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा ये काम पर भी फोकस करना चाहते हैं। जब आपकी जरूरत होती है तो कुछ गाने गुनगुना लेते हैं, उस मोमेंट को याद कर लेते हैं, फोटोज को देख लेते हैं, और पास्ट में जो भी आपको लेकर कुछ मेमोरीज है उन्हें याद कर लेते हैं। लेकिन याद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपकी जरूरत है उन्हें, ठीक है। देखिए हो सकता है कि जो फीमेल हो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, लेकिन आपके पार्टनर डरते हैं कि कहीं ना कहीं, देखिए कुछ हद तक कोई यहाँ फीमेल ऐसे भी है कि कुछ हद तक जा सकते हैं, और आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो,
इसलिए हर हाल में ये कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज जरूर रहते हैं, लेकिन अपने कंफ्यूजन को भी ये क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन प्यार है, दिल में है, जता नहीं रहे क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। लेकिन हर हाल में यहां देख रही हूं, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन पागलपन है आपके लिए। लेकिन इनके अंदर जो है ईगो वाली एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कंट्रोल करती है, ठीक है। और लेकिन यहां पे लग रहा है कि वो आपसे माफी मांगे, ठीक है। जोडियक साइन देख ले रही हूं डियर, टॉरस दिखाई दे रहे हैं, कैंसर है, सैजिटेरियस, लियो, एरिस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर, ये मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। यहां पे कोई जिम जाता है, आपके पार्टनर, ठीक है, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो आप या आपके पार्टनर, यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है। और कुछ के पार्टनर बहुत ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है, पानी से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है जहां आपके पार्टनर ट्रैवल भी करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी जॉब करते हैं, मीटिंग इनकी बहुत होती है, मीटिंग के लिए भी ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बार बार इनकी ट्रैवलिंग होती है। पानी से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है, नेवी में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कोई यहां आप या आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, या किसी का हो सकता है, कुछ व्यूअर्स आपका या आपके पार्टनर का किड्स यानी बच्चे का स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो, कुछ व्यूअर्स सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, और कुछ व्यूअर्स आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, ठीक है। किसी की कमिटमेंट टूटी है, लेकिन आज भी आपका इंतजार है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, पर सिचुएशन सही करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी जिंदगी से खुश बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपने आप को एंगेज रखते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं या ट्रैवल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को बैलेंस करने की, हीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। एक अटैचमेंट है आपसे, ठीक है, लेकिन इनके जो ईगो है, नाक पर गुस्सा, वो कमता नहीं है डियर। हाँ, जब ये आपको बहुत इग्नोर करते हैं तो इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आता ही आता है। लेटर्स भी बता देती हूं, यहां पे जो स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं डियर, यू दिख रहे हैं, ओ, जे, वी, डी, ए, एस, जी, यू, एम, आई, जी, एन, बी, पी, टी, ये लेटर्स मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कार्ड से भी एक कार्ड क्लियरिटी कर दूं, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। देख लो क्या मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर, उनका एक्शन क्या होगा। सिक्स ऑफ कप्स यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आप उनके सोलमेट हो, ये उनको अनुभव है, अपने कजन से, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ट्रैवल करने वाले आपके पर्सन हैं, ऐसा वो कर भी रहे हैं, कुछ के पार्टनर ट्रैवल भी करते रहते हैं, और पानी से रिलेटेड भी काम है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर नेवी में हो, पानी से रिलेटेड जॉब करते हो, या हमेशा सिप वगैरह पे रहते हो, ये भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हर हाल में आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, प्यार ऑफर भी करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और आपके साथ हो सकता है कि आने वाले टाइम में इमोशंस हाई है डियर, आपके पार्टनर के इमोशंस हाई दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, और इमोशंस बहुत हैं, और आप उनके विश हो ये कहना चाहते हैं, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा ये कहना चाहते हैं,
अगर किसी फीमेल के साथ हैं डियर, तो हो सकता है उनके साथ लीगल इशू चल रहा हो, ठीक है, ये भी हो रहा है। और इस मामले में भी आपकी पार्टनर अक्सर ट्रैवल किया करते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में, या फिर आपके पार्टनर की अच्छी पोजीशन हो, जज हो, वकील हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो, तो आपके पार्टनर हर हाल में इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो देखिए ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जस्टिस के ने 10 स्टार की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ गलत और धोखा और चीट किया है तो ये अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं वो न्याय भी करना चाहते हैं अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन इमोशंस हाई है, प्यार ऑफर करना चाहते हैं। और देखिए कहा जाए, इस एनर्जी में देखा जाए तो बहुत व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकते हैं, ये उनकी जिद है कि आप उनकी उनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो सक्सेस की ओर, उनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, ये पर्सन आपको ईगो जरूर दिखाते हैं, लेकिन आपको अपना लक ही मानते हैं और अपने आप से दूर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए डियर, हर हाल में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ कभी भी कुछ बातें भी छुपाई हैं किसी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इनको गिल्ट है, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं और आपके लिए सोचने लगे हैं, क्योंकि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, कोई और नहीं। तो आपके साथ आने वाले टाइम में ये न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स जो आए हैं वो है 4 नंबर, इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा, ठीक है, 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 4 नंबर और 6 नंबर, 10 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी कि इनके ऊपर किसका प्रेशर और डर किसका है। डियर, डर आपसे है, सबसे ज्यादा डर आपसे है, क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप उनको कुछ बोल देते हो तो इनकी काम नहीं बनती, इनके लाइफ की ग्रोथ रुक जाती है, सक्सेस रुक जाती है। और देखिए, इनके लाइफ में कोई फीमेल है जिनके ऊपर प्रेशर है, उनको ये रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए डर क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि सोसाइटी, समाज, इमेज है और इनके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो ये सोचते हैं और उनका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। ये हर हाल में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपको लेकर और उनको लेकर, लेकिन हर हाल में ये आपके साथ मैरिज देखते हैं, फैमिली देखते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं एक जुड़ाव देखते हैं जो सोलमेट वाली एनर्जी है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। वीडियो आपसे कितना रेजोनेट किया डियर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर और कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।